तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बोरी वाली से रिंगल जंक्शन के लिए खाटू श्याम जी के दर्शन करने, और यहाँ पर भी मैं बता नहीं सकता फिलहाल क्योंकि कुछ सीक्रेट्स हैं रेलवे डेस्टिनेशन पे जो जहाँ पर हम लोग जर्नी करेंगे। और हम लोग की ट्रेन जो है वो है चंडीगढ़ एसएफ एक्सप्रेस। फिलहाल आपको पूरा दिख रहा होगी, मुझे पता यहाँ पर आप लोग लास्ट स्टॉप पर आ चुके हैं। फिलहाल ट्रेन का टाइमिंग तो अभी हम लोग जा रहे हैं चंडीगढ़ एसएफ एक्सप्रेस को पकड़ने, जो कि 12:21 की ट्रेन है। और कुछ ट्रेन की टाइमिंग बता देता हूँ, ट्रेन में कुछ 22 से 24 घंटे की कोचेज लगे हुए हैं। मेरे हिसाब से वेब 7 आएगी हमारी चंडीगढ़ एसएफ एक्सप्रेस को चलाना बहुत ही अच्छा रहेगा। वेब 7 अगर आएगी वेब 4 भी हो सकता है, कोई बात नहीं। डीजल की सोच रखते हैं लेकिन इस टाइम पर डीजल नहीं, इलेक्ट्रिक ही चल रही है इधर मुंबई वेस्टर्न रेलवे में बहुत दिनों से, तो डीजल ही चलेगा। और बता दें कि चंडीगढ़ एसएफ एक्सप्रेस हम लोग इसलिए क्योंकि दिन में मतलब रिंगस जंक्शन जाने के लिए सिर्फ ये एक ही ट्रेन है, और एक ट्रेन है जो कि डेली चलती है। ये सिर्फ हफ्ते में एक दिन चलती है थर्सडे को मुंबई से, और वो भी 12:21 को दोपहर में, और 12:21 को आएगी बोरी वाली प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर 12:24 पर चली जाएगी रिंगस जंक्शन। अगले दिन सुबह 7 बजे के आसपास पहुँचा देगी ये आपको, और लेट होने के कारण 2-3 मिनट लेट हो लेकिन फिर भी रिंगस जंक्शन आपको ये 7 से 7:30 तक पहुँचा देगी, मतलब 8 बजे से पहले पहुँच जाओगे आप। और डेली जो ट्रेन चलती है वो है अमरापुरी अरावली एक्सप्रेस, रात के 9:30 बजे बोरीवली से निकलती है, और उसको टोटल 24 घंटे लग जाते हैं, 24 से 23 घंटे की कॉज ओवरटेक एंड स्टॉप स्लो गाड़ी है, और हर एक जगह रुक जाती है छोटे छोटे स्टॉप पे, तो 24 घंटा लगता है। और ये वाली चंडीगढ़ सुपर फास्ट एक्सप्रेस है तो उसमें सिर्फ 18 घंटे लगते हैं छोटे की जन बाहर। गाइस डीजल को याद किया और डीजल आ गई।
देखो मैंने नदी आओ ये आनंद नहाए आनंद जंक्शन से निकलते हुए करेक्ट टाइम पे कि एक मिनट लेट है बस आनंद बात सब चुप के ले गोरी यार और ये सब ने पैदल चला ना शंटिंग इंजन खड़ी है घुमाओ वे
मारवाड़ जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आई, आधे घंटे पहले ही पहुँच गई थी इधर पे, आधे घंटे या एक घंटे पहले। पार्सल ऑफिस असिस्टेंट डिवीजन इंजीनियर आरपीएफ का यही रूम, आरपीएफ रूम्स। ट्रेन चेंज हो रहा है, हॉर्न मिल रहा है। फिलहाल अभी पता नहीं चल रहा है, वेब 4 लेके जा रही है सामने वाली गाड़ी। पैरेलल में पहुंची है अजमेर जंक्शन। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मेडिकल वैन के साथ। अजमेर जल्दी कर रहा, वेलकम WDP 4D। बहुत सारी ट्रैफिक है और यहाँ पे मैं आपको बता नहीं सकता, और बहुत ही ठंडी चल रही है, फॉग है, दिन का समय है और मैं आप लोग को दिखा नहीं रहा यहाँ पे। और अजमेर में कुल इसको ट्रेन को दूसरा दिन हो गया है और सुबह लगभग 3:45 का टाइमिंग है, लेकिन 3 बजे पहुँचा दिए, 45 मिनट पहले पहुँचा दिए। और अब 45 मिनट रुकेगी मतलब और एक्स्ट्रा, और साथ ही साथ इंजन भी चेंज हो जाएगा, टाइमिंग एक्स्ट्रा मिल गया है वरना टाइम और जाता, लेकिन बहुत अच्छी टाइमिंग पे आई है। और अब 45 मिनट रुक के जो भी काम है इधर पे सारा हो जाएगा। 972 किलोमीटर कुल पूरी डिस्टेंस कवर की है और 130 किलोमीटर की स्पीड इसकी मतलब मैंने देखा हर जगह, और अपने रूट का ये किंग है इसलिए बिना रुके हर एक जगह चल रही है। और मैंने कपड़ा इसलिए दो दो पहना बिकॉज यहाँ पे बहुत ठंडी है, हद से ज़्यादा, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ठंडी, और सब लोग ने अलग मतलब विंटर टाइप के कपड़े पहने, यार बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। पीछे EMD लोकोमोटिव से, और अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा अजमेर के बाद रेनावल, देन 6:19 पर हमारा रिंगस जंक्शन आ जाएगा जहाँ पे हमें उतरना है, और फिर खाटू श्याम जी के लिए जाना है। बाकी का वीडियो आपको तो बंद नहीं मिलेगा, फिलहाल यहाँ पे हम लोग एंटर कर लिए। जय हिंद, और आप देख रहे हो रेलवे लव ब्लॉग, ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। WDM 3D guys, Queen WDM 3D, second table. जयपुर हैदराबाद गोरखपुर से हैदराबाद और हैदराबाद से गोरखपुर के लिए के साथ अजमेर के जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 3।
इधर से नेक्स्ट स्टॉप हम लोग पहुँचेंगे अपने रेनवाल कुछ है, और उसके बाद पहुँचेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट स्टॉप रिंगस जो कि हमारे लिए लास्ट होगा। फिर मिलते हैं। Yeah, I got to show.